आज के इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल निकाह में आने वाले अदाकाराओं के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। ये ड्रामा जियो टीवी पर नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे में अदाकारी के जोहर दिखाने वाले अदाकाराओं में ज़ैनब शबीर, हरून शाहद, हमाद फरूकी, कंवल खान, साइमा कुरैशी, नवीद रजा, सुहेल समीर और जवेरिया अब्बासी जैसे दीगर टैलेंटेड अदाकार शामिल हैं। अगर आप भी इन अदाकाराओं की ज़िंदगी के हैरानकुन हकायक जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नंबर वन, कंवल खान। ड्रामा सीरियल निकाह में युसरा का बेहतरीन किरदार प्ले करने वाली अदाकारा कंवल खान के बारे में बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अदाकारा कंवल खान एक वेल नाउन आर्टिस्ट फैमिली से बिलोंग करती हैं। कंवल खान 2 जुलाई 1999 को पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र 22 साल है। कंवल खान कई बेशुमार पाकिस्तानी ड्रामों में अदाकारी कर चुकी हैं। इनके मशहूर ड्रामों में अंगना, रेशम गली की हुस्ना और वफा बेमोल शामिल हैं और अब इस ड्रामे में भी अच्छी अदाकारी करते हुए नज़र आ रही हैं। इनकी वालदा का नाम अफशा हाशमी है, जो कि एक बेहतरीन अदाकारा और यूट्यूबर कुकिंग एक्सपर्ट हैं। इनकी अपनी वालदा अफशा हाशमी के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता मौजूद है। अदाकारा कंवल खान असल ज़िंदगी में अभी अनमैरिड हैं और ना ही कभी इनके अफेयर की कोई खबरें सुनने में आई हैं और ये अभी सिंगल ही ज़िंदगी गुजार रही हैं। नंबर टू, साइमा कुरैशी। ड्रामा सीरियल निकाह में रायना आंटी का किरदार निभाने वाली खूबसूरत और मल्टी टैलेंटेड अदाकारा साइमा कुरैशी एक आर्टिस्ट फैमिली से बिलोंग करती हैं। वो 8 नवम्बर 1978 को कराची में पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र 44 साल है। साइमा कुरैशी कई बेशुमार पाकिस्तानी ड्रामों में परफॉर्म कर चुकी हैं। इनके मशहूर ड्रामों में वफा कर चले, जुदा हुए, कुछ इस तरह, रोग, बेकदर, रेशम गली की हुस्ना और अब इस ड्रामे में भी एक उम्दा किरदार प्ले कर रही हैं। साइमा कुरैशी मशहूर अदाकारा रोजीना कुरैशी की बेटी हैं और सीनियर और कामयाब अदाकारा अफशा कुरैशी इनकी चची हैं, जबकि हैंडसम अदाकार फैसल कुरैशी इनके फर्स्ट कज़न हैं। अदाकारा हानिश कुरैशी इनकी भतीजी हैं और वह अक्सर एक साथ खूबसूरत लम्हात की तस्वीर शेयर करती रहती हैं। अदाकारा साइमा कुरैशी की अगर मैरिड लाइफ की बात की जाए तो ये असल ज़िंदगी में शादीशुदा हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम दानियाल खान है और वो भी शोबिस के कामयाब अदाकार और मॉडल हैं। अदाकारा साइमा कुरैशी के बेटे दानियाल खान इस वक्त ड्रामा सीरियल मेरे दामाद में परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन माँ बेटे में भी मजबूत दोस्ती का रिश्ता मौजूद है। नंबर थ्री, नवीद रजा। ड्रामा सीरियल निकाह में नदीम का बेहतरीन किरदार प्ले करने वाले नवीद रजा एक शानदार अदाकार और मॉडल हैं। नवीद रजा 8 जुलाई 1988 को पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 34 साल है। नवीद रजा कई बेशुमार ड्रामों में काम कर चुके हैं और आजकल ये ड्रामा सीरियल गिरफ्त में भी अच्छी अदाकारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। नवीद रजा अपने वालदैन के साथ काफ़ी अटैच हैं। अदाकार नवीद रजा शादीशुदा हैं। इनकी अहलिया का नाम कंवल है, जो कि शोबिज इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती और इन दोनों की एक खूबसूरत सी बेटी है जिसका नाम मिनाल रजा है। इनकी अपनी फैमिली के साथ गुजारे गए खूबसूरत लम्हात की तस्वीर को मदाहों की जानब से खूब पसंद किया जाता है। नंबर फोर, हमाद फरूकी। ड्रामा सीरियल निकाह में हारिस का बेहतरीन किरदार प्ले करने वाले अदाकार हमाद फरूकी शोबिज इंडस्ट्री के कामयाब अदाकार फराज फरूकी के जुड़वां भाई हैं। इन दोनों भाइयों की अदाकारी और पर्सनैलिटी को बेहद पसंद किया जाता है। हमाद फरूकी 7 सितंबर 1988 को पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 34 साल है। हमाद फरूकी कई मशहूर पाकिस्तानी ड्रामों में अपनी अदाकारी के जोहर दिखा चुके हैं। इनके मशहूर ड्रामों में कहीं दीप जले, बेकदर, मैं अगर चुप हूँ, पिया, नाम का दिया और अब इस ड्रामे में भी अच्छी अदाकारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमाद फरूकी असल ज़िंदगी में मैरिड हैं। इनकी शादी सनूदिया हमाद से हो चुकी है और इनकी खूबसूरत अहलिया शोबिज इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करती। इनके बारे में बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि हमाद फरूकी इस वक्त 2 बच्चों के बाप हैं, जिनके साथ गुजारे गए खूबसूरत लम्हात की तस्वीर वो अपने मदाहों के साथ शेयर करते रहते हैं, जिससे इनके दरमियान मौजूद मोहब्बत और दोस्ती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्लीज़ सब्सक्राइब शोबिज ट्रेंड ऑफिशियल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।
नंबर 5 हारून शाह ड्रामा सीरियल निकामे हमदान का किरदार प्ले करने वाले हैंडसम और गुड लुकिंग अदाकार हारून शाह एक सिंगर सॉन्ग राइटर कंपोजर और अदाकार हैं। अदाकार हारून शाह 29 दिसंबर 1989 को पैदा हुए, इस वक्त इनकी उम्र 33 साल है। हारून शाह कई मशहूर ड्रामों में परफॉर्म कर चुके हैं। इनके मशहूर ड्रामों में क्यामत, अमानत, रंग महल, इश्क और अब इस ड्रामे में भी एक अहम किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। अदाकार हारून शाह शादीशुदा हैं। इनकी शादी 2011 में खूबसूरत लड़की पलवश खान से हुई। आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अदाकार हारून शाह इस वक्त 2 बच्चों के बाप हैं। इनकी एक खूबसूरत सी बेटी और एक बेटा है। इनके बेटे का नाम मूसा खान जबकि बेटी का नाम मीना है। इनकी अपनी फैमिली के साथ खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे इनके दरमियान मौजूद मोहब्बत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नंबर 6 जैनब शबीर ड्रामा सीरियल निकामे अनोशे का बेहतरीन किरदार प्ले करने वाली जैनब शबीर एक मल्टी टैलेंटेड और गुड लुकिंग अदाकारा और मॉडल हैं। इनका शुमार टॉप अदाकाराओं में होता है। जैनब शबीर 26 जून 1998 को पैदा हुई, इस वक्त इनकी उम्र 24 साल है। जैनब शबीर कई सुपरहिट पाकिस्तानी ड्रामों में अपनी शानदार अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। इनके मशहूर ड्रामों में मुश्किल, वफा कर चले, तेरी राह में, मेहरपोश, सांवरी और अब इस ड्रामे में एक उम्दा किरदार प्ले कर रही हैं। अदाकारा जैनब शबीर अपनी वालदा के साथ काफ़ी अटैच हैं और इनके साथ वक्त गुजारना पसंद करती हैं। अदाकारा जैनब शबीर असल ज़िंदगी में अभी अनमैरिड हैं, लेकिन इनकी और अदाकार उसामा खान की मंगनी की खबरें पिछले दिनों काफ़ी गर्दिश करती रहीं, लेकिन बाद में इन दोनों की तरफ से इस बात की तरदीद कर दी गई। इनका कहना था कि हम अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। आपको ये जोड़ी कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 7 जवेरिया अब्बासी ड्रामा सीरियल निकामे उमैमा का किरदार प्ले करने वाली खूबसूरत अदाकारा जवेरिया अब्बासी भी एक वेल नाउन आर्टिस्ट फैमिली से बिलोंग करती हैं। वो 29 दिसंबर 1972 को पैदा हुई, इस वक्त इनकी उम्र 50 साल है। जवेरिया अब्बासी कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी कर चुकी हैं। इनके मशहूर ड्रामों में दिल अवेज, आखिर कब तक, एक सितम और मोहलत और अब इस ड्रामे में भी अच्छी एक्टिंग करती हुई नज़र आ रही हैं। जवेरिया अब्बासी की शादी 1997 में अदाकार शमून अब्बासी से हुई, लेकिन बदकिस्मती से ये शादी ज़्यादा अरसा तक ना चल सकी और 2009 में इनकी शादी तलाक पर ख़त्म हुई। जवेरिया अब्बासी की वालदा का नाम नहीद अब्बासी है, जबकि शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा अनोशे अब्बासी इनकी स्टेप सिस्टर हैं और शोबिज़ इंडस्ट्री की टैलेंटेड अदाकारा अंजला अब्बासी इनकी बेटी हैं। सबकी अदाकारी को बेहद पसंद किया जाता है। इन सबकी एक साथ गुजारे गए खूबसूरत लम्हात की तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 8 सुहेल समीर ड्रामा सीरियल निकामे फ़ारूक का किरदार प्ले करने वाले सुहेल समीर एक टैलेंटेड और डैशिंग अदाकार हैं और आजकल ये हमें 2 ब्लॉकबस्टर ड्रामों ड्रामा सीरियल तेरे बिन और ड्रामा सीरियल हुक में भी अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अदाकार सुहेल समीर 2 जुलाई 1980 को पैदा हुए, इस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 42 साल है। सुहेल समीर असल ज़िंदगी में शादीशुदा हैं। इनकी शादी अदाकारा सोफिया खान के साथ हुई, लेकिन बदकिस्मती से वो शादी ज़्यादा अरसा तक ना चल सकी और इनकी शादी तलाक पर ख़त्म हो गई। सुहेल समीर अब अकेले ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक शादी का अच्छा एक्सपीरियंस ना होने की वजह से इन्होंने दूसरी शादी करना पसंद नहीं किया। कुछ ड्रामा सीरियल निकाह में आने वाले अदाकाराओं के रियल लाइफ पार्टनर्स के बारे में ये तमाम हैरानकुन हकायक जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।